हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण के बारे में। खेल प्रशिक्षण जो है वो क्या होता है, उसके एम्स क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कहाँ कहाँ जो है खेल प्रशिक्षण का हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेनिंग की यानी प्रशिक्षण की, तो किसी भी प्रकार के शिक्षण की प्रक्रिया को हम ट्रेनिंग कहते हैं, यानी प्रोसेस ऑफ टीचिंग या फिर किसी के अंदर कोई स्किल को डेवलप करने के प्रोसेस को ही हम ट्रेनिंग कहते हैं। बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर हम जो डेवलप करते हैं स्किल्स या फिर यहाँ हम जिस तरह की टीचिंग प्रोसेस जो देते हैं वो होती है खिलाड़ियों के ऊपर यानी स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की अगर हम एक डेफिनेशन की बात करें जो कि सबसे ज्यादा नोन है, हरदयाल सिंह की डेफिनेशन है, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागॉजिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। इसके मतलब की बात करें तो इस डेफिनेशन में ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की हर एक चीज लिखी है। सबसे पहले बात लिखी है कि इट्स अ पेडागॉजिकल प्रोसेस। पेडागॉजिकल का मतलब होता है कि एक तरह का ये टीचिंग प्रोसेस है, एक सिखाने की प्रक्रिया है। फिर यहाँ पर लिखा है इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, यानी जो प्रक्रिया है ये शिक्षण की वो जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यहाँ पर जो भी टीचिंग प्रोसेस है या फिर जो भी तरीके यूज किए जाते हैं वो सारे ही साइंटिफिकली बेस्ड होते हैं। उसके बाद यहाँ लिखा है एमिंग एट प्रिपेयरिंग स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब इसका जो एम है या फिर इस लक्ष्य है वो है खिलाड़ियों को तैयार करना। फिर यहाँ लिखा है फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, यानी उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और वो भी कब, जब कॉम्पिटिशन हो। तो यानी जो खेल प्रशिक्षण है उसका मतलब ये है कि एक प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें हम खिलाड़ियों को तैयार करते हैं उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और वो भी किस दौरान, कंपटीशन के दौरान, यानी जब कंपटीशन हो उस समय खिलाड़ी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। और उसे तैयार करने का जो पूरा प्रोसेस है जो कि साइंटिफिक होता है यानी वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होता है, उस पूरे ही प्रक्रिया को हम कहते हैं खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की डेफिनेशन है इससे ही सारी चीजें निकल कर आती हैं कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है वो क्या है, उसका एम क्या है, और वो किसको दी जाती है और किस लिए दी जाती है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है ये एक पेडागॉजिकल प्रोसेस है यानी सिखाने का एक प्रोसेस है। फिर क्या है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है यानी वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। उसके बाद ये किसके लिए है, कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है, बेसिकली खिलाड़ियों के लिए है। उनको किस लिए दी जाती है, उनके परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, ताकि एक ऑप्टिमम लेवल का जो परफॉर्मेंस है वो दे सकें। सो ये है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की एक डेफिनेशन जिसमें पूरा का पूरा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो समझ में आ रही है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो होती क्या है। उसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो इट इज प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक। जो भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है, जो प्रोसेस है देने का, उनको कितने वक्त में देना है, वो एक प्लान्ड प्रोसेस होता है कि किसको कब कितना ट्रेन करना है, उसका जो ट्रेनिंग है उसका नेचर क्या होगा वो प्लान्ड होता है और सिस्टमैटिक होता है। फिर सेकेंडली इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, जो ये है वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के खुद के बिलीफ के अकॉर्डिंग वो कोई ट्रेनिंग दे। जो भी ट्रेनिंग के लिए प्रोसेस यूज किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव्ड होते हैं। फिर इट इज गोल बेस्ड। गोल बेस्ड का मतलब है कि जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वो किसी एक गोल के आधार पे दी जाती है, कि जो ट्रेनिंग है उसका जो पूरा स्केड्यूल होता है वो इस तरह होता है कि कब उनका कॉम्पिटिशन होगा और उस वक्त जो है खिलाड़ी अपने टॉप परफॉर्मेंस में होना चाहिए। देन द लास्ट थिंग इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि जो ट्रेनिंग है वो कोई एक दिन में दी जाने वाली चीज नहीं है। आपने कई बार सुना होगा कि कोई एक रात पढ़ के जो है वो एग्जाम टॉप कर लेता है, बट आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई एक दिन की ट्रेनिंग में कोई मैच जीत जाए,
यानी जो ट्रेनिंग है दैट इज नॉट अ वन डे शो कि आपने एक दिन किया और आप जो है अगले दिन जाके परफॉर्म कर दोगे और आपकी एक दिन में ट्रेनिंग हो जाएगी. जो ट्रेनिंग है इट्स अ हार्ड वर्क जिसमें टाइम लगता है, प्रोग्रेसिव है. आप जीरो से टेन से कहीं से भी शुरू करते हो और धीरे धीरे करके आप उस लेवल तक पहुंचते हो जो आपको अचीव करना है. सो ट्रेनिंग इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस, इट्स नॉट अ वन डे शो. फिर बात करें स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के स्कोप के बारे में कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो किसको दी जाती है, किस तरह के खिलाड़ियों को है जो वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है या फिर देनी चाहिए. तो सबसे पहले है प्रोफेशनल एथलीट. जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें. अगर उनका परफॉर्मेंस जो है वो किसी वजह से लैग कर रहा है तो फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि जो भी लैग है या जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके. तो सबसे पहले तो ये प्रोफेशनल एथलीट्स को जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है. सेकंड, जो बिगिनर है अगर कोई खेलना शुरू करना चाहता है तो उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो बिगिनर उस चीज को सीखे, परफॉर्म करे और उस जो भी गेम है किसी भी चीज में है वो आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे. फिर जो है अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है. अगर कोई प्लेयर जो है उसने अभी तक स्टेट लेवल खेला, अब वो नेशनल लेवल खेलने वाला है तो उसके लिए भी उसको जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी सो दैट वो जो अपना परफॉर्मेंस है, जो अपना लेवल है उसको अपग्रेड कर सके. आफ्टर इंजरी, अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है या किसी वजह से उसने किसी स्पोर्ट से ब्रेक लिया है तो जब वो वापस जाता है तब भी उसको जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है. क्योंकि जो ट्रेनिंग है वो ऐसी चीज नहीं है कि एक बार दिया और खत्म हो गया, उसके बाद जरूरत नहीं है. जब तक आप खेल रहे हो, जब तक आपको परफॉर्म करना है, जब तक आप कॉम्पिटिशन्स में उतरोगे तब तक आपको ट्रेनिंग जो है वो लेते रहना पड़ता है. फिर बात करें एम्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की, तो जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग है उसका जो एम है वो एक ही है कि जो एथलीट है वो मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस जो है उसे अटेन करे. मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस का मतलब है जो भी पॉसिबल है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस को अटेन कर सके. यही एम होता है किसी भी तरह के स्पोर्ट्स ट्रेनिंग यानी खेल प्रशिक्षण का. और उस एम को अचीव करने के लिए हम कौन कौन सी चीजें करते हैं वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, यानी दे आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग. तो सबसे पहले है मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट. मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट मतलब ऐसा फिजिकल डेवलपमेंट जो मोस्टली हर एक स्पोर्ट्स के लिए बेसिक होता है, फाउंडेशन होता है. इसे हम जनरल फिटनेस कहते हैं जिसमें आता है हमारा स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. इन पांचों ही फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट या फिर मोटर फिटनेस कंपोनेंट के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था. वो सारी जो चीजें हैं दे आर कॉल्ड द मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट. तो किसी भी खिलाड़ी को प्रशिक्षण देने के लिए, उसे ट्रेनिंग देने के लिए जो हमें बेसिक चीज डेवलप करानी है वो है मल्टीलेटरल फिजिकल डेवलपमेंट, यानी जो पांच फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है वो उसमें डेवलप कराने होते हैं. सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट इज स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट. हमने जब वो पांच कंपोनेंट पढ़े थे तो उसके अंदर भी कुछ चीजें पढ़ी थी जैसे स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्पीड एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो कि अलग अलग गेम के अकॉर्डिंग हमें रिक्वायर्ड होती है. तो वो सारी चीज भी जो है वो हमें किसी खिलाड़ी में उसके गेम के अकॉर्डिंग उसमें डेवलप करानी होती है. जैसे जो स्प्रिंटर है उसमें हमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, या फिर जो लॉन्ग जंपर है उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप कराना. जो स्प्रिंटर है जब वो अपनी स्प्रिंट जो है वो ऑलमोस्ट खत्म करने वाला होता है वहां पर हमें उसके लिए स्पीड एंड्योरेंस को डेवलप कराना ताकि वो अपनी स्पीड को थक जाने के बाद भी उसको मेंटेन रख सके. तो ये सारी चीजों को डेवलप कराना जो कि अलग अलग स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं. जैसे जो क्रिकेटर है उसका एंड्योरेंस है, स्पीड जो है वो अलग होती है. जो एक स्प्रिंटर है उसकी जो स्पीड है वो अलग होती है. एक थ्रोअर की अलग होती है. एक वॉलीबॉल या बास्केटबॉल प्लेयर का जो है वो अलग होता है. तो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट ये होता है हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव. थर्ड की बात करें तो इट्स टेक्निकल स्किल. किसी भी प्लेयर को उस गेम की टेक्निकल स्किल डेवलप कराना जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो उस पर्टिकुलर गेम को परफॉर्म कर सकता है. अगर एक वॉलीबॉलर है तो उसमें उसको स्मैश करने आना, ब्लॉक करना,
सर्विस करना, ये सारे जो स्किल है ये भी परफॉर्म करने आना चाहिए। और वो इन सारी स्किल को तभी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा जब उसका फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो अच्छा है, यानी जो उसकी फिजिकल फिटनेस कॉम्पोनेंट है वो डेवलप्ड है, और उसके साथ ही जो स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिजिकल डेवलपमेंट है वो भी उसमें बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो वो अपनी टेक्निकल स्किल्स जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। देन द फोर्थ वन इज टैक्टिकल एबिलिटीज। टैक्टिकल एबिलिटीज को समझने से पहले समझेंगे कि टैक्टिक्स जो है वो क्या होती है। दो चीज होती है, एक है टैक्टिक्स और एक होती है स्ट्रैटेजी। ये दोनों ही चीजें जो है वो कई बार एग्जाम में आती हैं, नेट के पेपर में पूछी जाती हैं, जो टैक्टिक्स है वो क्या है और जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है। जब हम गेम के पहले डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्लेयर कहाँ खेलेगा, कौन डिफेंसिव खेलेगा, कौन सा ऑफेंसिव खेलेगा, तो ये सारी चीज जो हम एक लेआउट बनाते हैं मैच से पहले, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटेजी। और जब हम उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं गेम्स में, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स। क्योंकि हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि अच्छा हम सबसे पहले डिफेंसिव खेलेंगे, बट जब हम मैच में है तो हमें डिफेंसिव खेलना कैसे है, आपको ओपोनेंट जो है वो भी आपकी चीज को समझ के उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो जो टैक्टिक्स है वो ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग मैच, जब आप खेल रहे हो तब आप चीजों को किस तरह करोगे, दैट इज कॉल्ड टैक्टिक्स। Then the fifth one is psychological factor or personality development. Psychological factor या personality development में आते हैं आपके desires, motives, aggression, courage, discipline. Being a player आपको पता होना चाहिए आपको कि कहाँ आपको किस तरह से behave करना है। अगर आप मैच हार रहे हैं तो इसका मतलब ये आप बहुत ज्यादा aggressive हो जाए और आप मैच छोड़ दें। You should have mental stability कि आपको जो है वो till end fight करना है, आप में courage होना चाहिए, आप में self confidence होना चाहिए। स्पेक्टेटर्स का जो प्रेशर है वो आपको कैसे बियर करना है, इस तरह से आपको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखनी है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स को डेवलप करना इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। उसके बाद बात करें हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, तो बीइंग अ प्लेयर जो आपकी हेल्थ है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप इनमें से कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते, ना तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हो, ना तो आप साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से साउंड हो सकते हो। सो आपका जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो न्यूट्रिशन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ट्रेनिंग में, अलग अलग तरह की ट्रेनिंग में जो उनकी डाइट है वो बदल जाती है, उनके डाइट का जो नेचर है वो बदल जाता है। तो एक खिलाड़ी का जो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है वो भी एक तरह का ऑब्जेक्टिव होता है उसकी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का। फिर बात करें इंजरी रेजिस्टेंस की, तो जब किसी भी खिलाड़ी को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसमें खुद को इंजरी से रजिस्ट करने की जो टेंडेंसी है उसको भी डेवलप करना होता है। वो हर एक चीज परफॉर्म करे बट ऐसे परफॉर्म करे कि वो इंजर्ड ना हो, उसकी साइकोलॉजिकल एबिलिटी, उसकी फिजियोलॉजिकल एबिलिटी, इन सारी चीजों पर भी काम किया जाता है ताकि वो इंजरी से खुद को बचा सके। देन द लास्ट वन इज थ्योरेटिकल नॉलेज या फिर इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग। किसी भी खिलाड़ी को जब हम ये सारी चीजें देते हैं, उसको किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज दे रहे हैं, उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका न्यूट्रिशन, तो हम उसे बताते भी हैं कि हम ये सारी चीजें उसे क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, अगर उसे पता है कि उसे क्यों ये ट्रेनिंग दी जा रही है तो वो उसे ऑनेस्टली करेगा, उसको पता है कि उसके वेलफेयर के लिए है तो उस चीज के लिए अपना ऑनेस्ट एफर्ट देगा। उसकी जो नॉलेज है उस पर्टिकुलर गेम, उस पर्टिकुलर स्किल, टैक्टिक्स, ये सारी चीजें भी जो है वो खिलाड़ियों को सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग देयर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। सो आई होप आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग समझ में आई होगी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होता क्या है, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सब क्या होते हैं। फॉर रेगुलर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। टिल दैट कीप वॉचिंग टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।